गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जल के साथ धातुओं की और अधातुओं की अभिक्रिया। इससे शुरू करते हैं। इससे पहले हम धातुओं के अधातुओं की वायु से अभिक्रिया पढ़ रहे थे, अब हम जल के साथ अभिक्रिया को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। कुछ धातुएं जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम। ये जैसे सोडियम है, ये जल के साथ जल में डालते ही ये जल उठते हैं, जल के साथ बहुत तेज क्रिया करते हैं। और दूसरी बात करें जैसे आयरन यानी लोहा, जल के साथ धीमी गति से क्रिया करता है, धीमी अभिक्रिया करता है लोहा, जबकि कुछ धातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, जैसे सोना चांदी, ये जल से क्रिया नहीं करते हैं। यही कारण है कि सोने चांदी की चमक लंबे टाइम तक बनी रहती है, क्योंकि क्रिया नहीं करती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ धातुएं, सभी धातुएं समान रूप से जल से क्रिया नहीं करती हैं, कुछ धातुएं जल से तीव्र क्रिया करती हैं, कुछ मंद अभिक्रिया करती हैं, कुछ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। तो इस तरह से तीनों ही तरह का व्यवहार यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर बात करें सोडियम धातु की, बहुत तेज अभिक्रिया करती है। प्रश्न आता कहेगा कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल यानी किरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है, क्या कारण है? यानी प्रयोगशालाओं में जो हम सोडियम धातु रखते हैं सुरक्षित, तो वो किरोसिन तेल में या मिट्टी के तेल में उसको डुबो करके रखा जाता है। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? उसको खुले में क्यों नहीं रख सकते, या खाली डिब्बे में किसको बंद करके क्यों नहीं रख सकते? तो ध्यान दीजिए, सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है, यानी बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, ये बहुत तेजी से क्रिया करता है। इसे अगर वायु में खुला छोड़ दे तो वायु में खुला छोड़ने पर यह धातु जल उठती है। क्यों जल उठती है? वायु से अभिक्रिया कर लेती है, वायु से या नमी से अभिक्रिया करके। और अगर मान लीजिए हमने खुले में इसको रख दिया है, तो रखे रखे अपने आप इसमें आग लग जाएगी और जल उठेगी। वायु से, पानी से, विशेष रूप से नमीयुक्त हवा से, जिसमें पानी की मात्रा होती है, उससे क्रिया कर लेता है धातु और ये जल उठता है। अगर वायु व नमी से इस धातु का संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ताकि वायु के संपर्क में आ सके और नमी के संपर्क में ना आ सके, इसलिए मिट्टी के तेल में डुबो कर इसको रख देते हैं। मिट्टी के तेल में वायु और नमी नहीं पहुंचती है, ताकि ये सुरक्षित रहे। यही कारण है कि इसको किरोसिन तेल में या मिट्टी तेल में डुबो करके रखा जाता है। अब अगली बात आती है अधातुओं की, जल के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं जल के साथ क्रिया या अभिक्रिया नहीं करती है, यही कारण है, इसी कारण अधातुओं को जल में डुबो कर रखा जाता है। जो क्रियाशील धातु हैं उनको तो किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, नमी से, वायु से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो उल्टा कार्य करती हैं इनका, यानी वो जल से क्रिया ही नहीं करती। अतः अधातुओं को सुरक्षित रखने के लिए उनको जल में हम डुबो करके रख सकते हैं। जैसे इसी कारण अधातुओं को जल में डुबो कर रखा जाता है, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस बहुत क्रियाशील धातु है, अधातु है, और यह वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। फास्फोरस क्या है? एक अधातु है, और फास्फोरस को आपने देखा भी है, जैसे माचिस की तिल्लियों में जो आगे मसाला लगा होता है, एक तरह का पदार्थ लगा होता है, जिसको रगड़ने से वो जलती राह से, उसमें अकेला फास्फोरस तो नहीं होता, उसके साथ और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, लेकिन उसमें फास्फोरस भी होता है, उसमें और पदार्थ मिला दिए जाते हैं, अतः वो रखे रखे जल अपने आप नहीं जलती है, थोड़ा सा रगड़क लगने लगते ही वो जल उठती है तिल्ली, तो उसमें भी फास्फोरस होता है, हालांकि शुद्ध रूप से फास्फोरस नहीं होता, उसमें और भी पदार्थ मिला दिए जाते हैं, ताकि वो रखे रखे न जल जाए। तो इस तरह से फास्फोरस को अगर खुले में रख देंगे तो यह आग बना देता है, यानी
अतः इसका वायु से संपर्क तोड़ने के लिए, इसको मैं खुले दिल रख सकते, इसका वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे जल में डुबो करके रखा जाता है। वो जल में अगर डुबो कर रखेंगे तो फास्फोरस लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये अधातु की अभिक्रिया होगी। और अब देखते हैं बी के बाद में तीसरा पॉइंट देते हैं सी, अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया फिर अधातु की अभिक्रिया पढ़ेंगे हमने। अम्लों से कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये धातु में अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। कौन सी गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि धातु में अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस। इस बात को हमें निम्नलिखित प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। प्रयोग में क्या कर रहे हैं, हम एक प्रणाली में मैग्नीशियम धातु का टुकड़ा लेते हैं। मैग्नीशियम धातु लेने, मान लीजिए प्रणाली ली, उसमें मैग्नीशियम धातु का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया। अब इसमें एक ड्रॉपर यानी ड्रॉपर की सहायता से जैसे बूंद के रूप में हम भरकर के अणु को उसमें डाल सके, तो ड्रॉपर की सहायता से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम क्या है उनका, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब होता है इसमें पानी मिलाया हुआ, ये अम्ल बहुत तेजी से क्रिया करता है, अतः इसमें पानी मिलाकर फिर इसको तनु करना पड़ता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदे प्रणाली में डालते हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम धातु और अम्ल में क्रिया होगी। हम प्रणाली में गैस के बुलबुले निकलते देखते हैं। अब क्रिया होगी तो कोई भी कोई बात तो दिखाई देगी, मैग्नीशियम धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों क्रिया कर रहे हैं। हम देखते हैं कि प्रणाली में कुछ गैस निकलती दिखाई देती है बुलबुले के रूप में। अब अगर हम परीक्षण करना चाहते हैं कि कौन सी गैस बनी, इसके लिए हम एक जल की तीली ले जाते हैं प्रणाली के मुंह के पास। अगर वो ध्वनि के साथ पटाखे की आवाज के साथ वो जलती है गैस, तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस होगी। तो क्या करेंगे, गैस की जांच करने के लिए हम जलती तिल्ली प्रणाली के मुंह पर ले जाते हैं। हम देखते हैं कि पोक ध्वनि का मतलब होता है अर्थात पटपट की ध्वनि, जैसे कोई छोटा मोटा पटाखा छूटता है, ऐसी पटपट की ध्वनि उत्पन्न होती है और उसके साथ में गैस जलने लग जाती है। इस प्रकार की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है, पटपट की ध्वनि के साथ। अतः धातु की अम्ल से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी इस प्रकार की ध्वनि के साथ क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस ही जलती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि धातु के अम्ल से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से धातु के अम्लों से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और दूसरी बात देते हैं, अठारों के साथ में अभिक्रिया। अब हम अगली बात देते हैं कि क्षारों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। तो सामान्यतः धातु में क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, क्योंकि धातुओं की प्रकृति भी क्षारीय होती है, तो क्षार क्षार के साथ क्रिया जल्दी से नहीं करता है, अम्ल अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है। तो चूंकि धातुओं की प्रकृति क्षारीय होती है, अतः क्षारों के साथ क्रिया सामान्यतः नहीं करती है। लेकिन जिंक धातु और जिंक धातुओं को हम क्या बोलते हैं, इसका प्रतीक क्या है, Zn। जिंक धातु एनी अदर क्षार के साथ में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोजन गैस देता है, यानी सामान्य धातु में क्षारीय क्रिया नहीं करती हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये भी हाइड्रोजन गैस देता है। और इस तरह से अगर अगली बात देखें अधातुओं की, तो अधातु में या अधातुओं की क्षारों से क्रिया जटिल होती है, जटिल प्रकार की होती हैं। जो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे, यानी अधातुओं की क्षारों में क्रियाएं जटिल होती हैं, जो आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे अपने सिलेबस में इतना कुछ ज्यादा नहीं है। अब लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन बनाना। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन तैयार करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन तैयार करना कैसे करेंगे? हम एक परखनली में पांच ml जल लेते हैं, अब इसमें तीन चार टिकिया, तीन से चार टिकिया, छोटी टिकिया होती छोटी टिकिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की इस, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसकी टिकिया के रूप में ये डिब्बे में पैक होकर आता है, क्योंकि छोटी टिकिया होती हैं हम उनको अलग अलग देख सकते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकिया जल में डालते हैं, यानी तीन चार टिकिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की जल में घोलते हैं, इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन तैयार हो जाता है। हम मान लीजिए विलयन के परीक्षण करना चाहते हैं, मैं किस तरीके का ये विलयन है कि अम्लीय है क्षारीय है, तो इसमें लिटमस पत्र डुबो के देख लेंगे, लाल से नीला होता है या नीले से लाल होता है, दोनों ही प्रकार के लिटमस पत्र को डुबो के देख लेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि इसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है और नीले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है अर्थात विलयन क्षारीय है। तो इस प्रकार से हमें इसका पता भी लगा सकते हैं विलयन का कि किस प्रकार का विलयन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि धातु क्षारों से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। जरा इसका परीक्षण कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे? तैयार कर लिए, अब इस विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालते हैं, हम देखते हैं
बुलबुले के रूप में यानी बुलबुले के रूप में निकलती है। अब इस गैस का परीक्षण कर लो जरा, कैसी कौन सी गैस है? परंगली के मुंह के पास, मुंह के पास क्या ले जाएंगे? जलती तिल्ली, जलती तिल्ली ले जाते हैं तो यह गैस पोक ध्वनि के साथ जलती है। पोक ध्वनि के साथ जलती है, अतः हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ जिंक धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, धातु ने देता है लेकिन तत्व के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से ये अपना प्रयोग था जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके भी कुछ धातुएं हाइड्रोजन गैस दे सकती हैं।